पाकिस्तान स्थित भाई तारू सिंह के शहीदी स्थल से गुरद्वारा साहब की जमीन उपर कब्जे कोशिशों दरमियान दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मुखी मनजिंदर सिरसा वालों यह ऐलान कर देन कि गुरद्वारा साहब की जमीन उपर कब्जा कर उत्थे मजार बनाई जा रही है। उस दावे उपर सवालिया निशान लाउंदिया पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका मुखी सरदार बिशन सिंह ने सख्त लहजे में जवाब दिता है। उनका कहना है कि दावे बिल्कुल गुमराहकुन हैं। सिरसा साहब समझ तो कम लैन गुरद्वारा शहीद भाई तारू सिंह उसे स्थान पर सुशोभित हैं। उन्हों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार और संबंधित अदारियां सामने साढ़े वालों यह मसला पूरी तनदेही चुकया गया है और उन्होंने वालों गुरद्वारा साहब की जमीन की राखी का भरोसा उन्होंने दवाया गया है। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। कल परसों तो सोशल मीडिया के उत्ते और मनजिंदर सिंह सिरसा ने जी वीडियो पाई है वह कह रहे हैं कि भाई तारू सिंह का शहीदी स्थान है उत्तर कब्जा होया तो उत्तर मस्जिद बन रही है। मैं कि परजोर मुजम्मत करता इस वक्त असी भाई तारू सिंह के शहीदी स्थान के उत्ते खड़े हैं। जिस तरह के सारी दुनिया को पता है 16 तारीख इसी महीने इतने सहज पाठ का भोग पाया गया। भाई तारू सिंह और भाई मनी सिंह के शहीदी दिन मनाया गया। ये शहीद सिंह सिंगड़ियां गुरुद्वारे श्री अखंड पाठ साहब का भोग पै गया। इतने जोड़ा एक इशू चल रहा है 47 तो पहले भी सी 47 तो बाद भी है और पिछले कोई 8-10 साल तो इतने एक इशू चल रहा है। लेकिन इस वक्त गुरुद्वारा साहब अपनी जगह शहीद स्थान मौजूद है। निशान साहब थोड़े सामने मज़ार अपनी जगह पर मौजूद है। तो कल ये हुकूमत पाकिस्तान है उसके कस्टमर डिपोर्ट ने एक लैटर लिखे जिद डी आई जी ऑपरेशन किया कि जिनी कार्रवाई बनती है जिड़े से लोग शरारती लोग ने उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैं सारी संगत को यह दसना चाहता कि 47 तो पहले जिड़े भी गुरु घर पाकिस्तान तारीखी रह गए रहे और सिंह सभा गुरुद्वारे वह देखभाल हुकूमत पाकिस्तान है और ट्रस्टी जिम्मेदारी है तो वह बखूबी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कोई 10-12 साल तो भाई तारू सिंह गुरुद्वारे का इतने इशू चल रहे हैं। ये कई बार हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोशिश की है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कोशिश की है। असी हुण भी आस रखते हैं कि जिहड़े गुरु नानक देव जी महाराज के सांझे सिख मुस्लिम दोस्ती के हवाले ने जिहड़े साई मियां अमीर साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज के सांझे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सांझ मौजूद है बाबा फरीद साहब के श्लोक ने कई लोगों को साडे सिख मुस्लिम दोस्ती अच्छी नहीं लग रही बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा साल 2 साल के कोई इस तरह शरारती अनासर दोनों मजहब के दोनों धर्म के क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आस रखता कि जो गुरु नानक साहब ने नींह पत्थर रखे है भाई मरदाना 70 साल रहे गुरु अर्जन देव जी साई में अमीर साहब का यह साझ में असी कायम कायम रखांगे। भाई तारू सिंह जी शहीदी स्थान सिखा वास्ते शहीदों का एक बहुत वड्डा रुतबा है बहुत वड्डा इतिहास है शहीदों का। और भाई मनी सिंह का शहीदी स्थान होए और गुरुद्वारा डेरा साहब पांचवें पातशाह का शहीदी स्थान होए भाई तारू सिंह का शहीदी स्थान होए या होर जिन्हें भी इतिहासिक गुरुद्वारे ने वो तो हुकूमत पाकिस्तान देख रेख कर रही है। मैं दसना चाहवागा कि 47 तो बाद कोटी शहर के पहली दफा सिंह सभा गुरुद्वारा भी खोलिया गया। मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब साढ़े प्राइम मिनिस्टर साढ़े सिक्योरिटी अदारे हमेशा सिखां दे और पट पिंडियां दा साथ दिता है। ये असी आस रखते हैं कि बहुत जल्दी भाई तारू सिंह का जिहड़ा इशू चल रहा है ये असी पुरअमन तरीके दे नाल अपने मुसलमान वीरां नाल बैठ के इहदा असी हल कढ़ांगे। मैं ये भी दसना चाहांगा कि एक बंदा या दो बंदे किसी मजहब च भी हो सकते हैं शरारती सिख मुस्लिम जिहड़ी सांझ है वह कायम दायम रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।